अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी ही है मेरे बेटे की फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा शेयर करती हूँ। वैसे अम्मी बना रही हैं और हमारी भाभी बनाती हैं, लेकिन आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के, बट अम्मी वाला टेस्ट नहीं आता। लेकिन फिर भी बच्चों को मैंने कहा चलो आज मैं बना कर देती हूँ, तो वो भी बना रही हूँ। और यहाँ मेरे एक जो बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, रिज़ा फातिमा नाम से उनकी आईडी है, आई थिंक उनका नाम नौशीन है जहाँ तक मैं सही हूँ, तो उनके बेटों और बेटियों के नाम मैं लूँगी यहाँ पे, रियान, रिज़ा और रज़ा। आई होप मैंने सही नाम लिए हों। माशाल्लाह सबके नाम बहुत प्यारे हैं और सेम ही हैं, इसलिए थोड़ा सा लिटिल हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं आप भी और आपके बच्चे भी, और नाम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबको ईद मुबारक हो, सारे लोगों को आपका। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लास्ट टाइम में नाम नहीं ले पाई थी। एक्चुअली क्या होता है कई बार कुछ क्लिप्स जो होती हैं हमसे एडिट होने में डिलीट हो जाया करती हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। तो प्लीज़ आप माइंड मत करना, क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे इसलिए ज़्यादा फील हुआ। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये काम कर दे रही हूँ कि मैं दोबारा से कहीं ऐसा ना हो, भूल जाऊँ या कुछ बाय मिस्टेक मिस ना हो जाए। तो सबको मेरी तरफ से वंस अगेन ईद मुबारक, हैप्पी फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन सभी की बहुत ज़्यादा सबको मुबारकबाद जितने मेरे देखने वाले हैं। और यहाँ यह इतना मज़ेदार सा खाना हमारी भाभी ने बनाया था और आगे भी बहुत कुछ एक्साइटमेंट से भरपूर है, तो आप ज़रूर पूरा व्लॉग देखिए आगे और इन्जॉय कीजिए सारी चीज़ों को। शीजू कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। शीजा इधर देखना, देखो सूप देखो, घूम के दिखाओ, टर्न अराउंड करना आता है, टर्न अराउंड करो, राउंड राउंड करो, शीजा ऐसे घूम जाओ, घूम जाओ, घूम ऐसे करो, शीजू बहुत जाया खड़ी फोटो खींच रहा है ना। अच्छा हाथ पकड़ के ऐसे घूम जाओ, ऐसे खाला का हाथ पकड़ के ऐसे घूम जाओ। हाँ, शीजा के चिक्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड जो है ना उनसे मिलने आई थी, बहुत ही प्यारी, और काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम मीटअप था हमारा ये। उन्होंने मुझे फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट दिया, बहुत ही प्यारी सी रिंग दी थी, थैंक्स वंस अगेन खालदा उनका नाम है, बहुत ही प्यारी हैं। और मैं उनसे मिलने आई थी यहाँ पर, तो मैं अपने मायके में हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं उनसे भी मुलाकात कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तभी उन्होंने मुझे ये दिया। और बहुत कुछ है आगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मिलवा इससे साफ करो, खाओ 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 खाओ, गिर जाएगी, जल्दी खा लो। कैसी लग रही है? अच्छी है आइसक्रीम, मजे की। आपको मैं बताती हूँ, रुको मैं खिला देती हूँ, यहाँ से खाइए, आप खुद खाएंगे, देखो ग्राम मत देना। जल्दी खाओ। पूरी छत पे मतलब यही मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, इन सब का रहता है, राज है ना। देखो कितने अच्छे से, कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे से। जानवर जोहन नहीं, जोहन नहीं, खाना खा रहे हैं ना वो लोग अभी। कबूतर वो है ऊपर, देखो पिजन वो ऊपर 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 कबूतर, जाओ आप उधर। अच्छा उस तरफ जाएंगे, अल्लाह यहाँ पूरे तुम इसका एरिया कर दिया। उड़ गए, मुर्गे हैं, जोहान चलो।
मम्मी को डर लगा। तो यहाँ हम अपनी फ्रेंड के घर आ चुके हैं, ये उनकी भाभी का है, मतलब भाभी का फ्लोर है, बहुत सारे मतलब फ्लोर हैं उनके यहाँ सबके अलग अलग सबके, तो ये उनकी भाभी का ही उनका पूरा घर है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ही यहाँ बकरा बकरी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये बात खालदा को भी पसंद, तो उन्होंने कहा चलो मैं मिलवाती हूँ सबसे, मतलब मिलवाती क्या दिखाती हूँ बच्चों को, स्पेशली जुहान जो है ना बहुत खुश रहेंगे क्योंकि जुहान को ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और ये हमारी फ्रेंड खालदा हैं, ये उनकी बेटी है और बाकी सारे बच्चों को तो आप जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था मिलके, बहुत ही अच्छा। और एक छोटा सा व्लॉग मैंने जो था ना इसीलिए मैंने शूट कर लिया था कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी मेमोरी जो है ना एक वो रह जाएगी हमेशा के लिए। तो यहाँ जो मेरी आवाज़ आपको लग रही है ना वो इसी वजह से लग रही है कि ये जो आइसक्रीम दो दो बार खाने में आ गई और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा वगैरह पानी यहाँ पर भी, तो इस वजह से जो है ना मेरा गला थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। तो अब वॉइस को जो है ना एक तरफ कर दीजिए और ये बताइए कि आप लोगों का फ्रेंडशिप डे कैसा रहा। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस किया, सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया। और आप लोगों ने क्या किया? तो यहाँ पे मैं मिलने आई थी तो बस मैंने अपने फ्रेंड से ही बस थोड़ी बहुत जो बातचीत हम लोगों की हुई, क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, मैं सभी को लेकर आई थी क्योंकि उनका मतलब डिमांड थी खालदा की, हमेशा ये कहती हैं मैं हमेशा छोड़ के जाती हूँ बच्चों को, नहीं लेके जाती हूँ अपने साथ, तो अम्मी के छोड़ जाती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं सबको लेके आना, तो लेकिन क्या हुआ कि मैं लेके तो गई हूँ लेकिन इतना परेशान किया सबने बहुत ही ज़्यादा। तो ज़्यादा तो मैंने कुछ खास शूट नहीं किया, छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सबको बताती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से। तो बाकी तो आपने देख ही लिया होगा जो हमारा फ्रेंडशिप डे वाला मैंने आपको व्लॉग कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो वो भी ज़रूर देखे। तो ये बहुत सारा मेरा ना बहुत बड़ा सा सर्कल है और सबके साथ ही बहुत मज़ा आता है। चलो अब बाकी का जो है ना आप देखें, आप शुजा का ये ड्रेस जो पहनी है आगे आप देखिएगा, वो मैंने स्टिच किया था, वो ईद वाले दिन उन्होंने उतार दिया था। सो ये था एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों से मिलके फ्रेंडशिप डे पे। और माइका की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप देखिए थोड़ा बहुत आगे, जब तक हूँ यहाँ तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़। Let me be your talking and tell you I'm gonna come out of this house।